Hello everyone, welcome back to another video. This video is all about Australia visitor visa. Right now, क्योंकि काफ़ी एप्लीकेंट है जो क्रिसमस न्यू ईयर के प्लान को लेके अप्लाई करना चाहते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, एक्सपेंसेस को लेके भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सारी डिटेल इस वीडियो मिल जाएगी. ट्रेंड क्या चल रहा है, किस हिसाब से कौन से एप्लीकेंट के वीज़ा आ रहे हैं, वो सारी डिटेल इस वीडियो मिलेगी. आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो. कोई क्वेश्चन होता है या वीज़ा फाइलिंग तक में असिस्टेंस चाहिए आपको, तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं. सो सबसे पहले मैं बता दूँ कि वीज़ा ट्रेंड को लेके जिनके भी क्वेश्चन आएंगे कि वीज़ा ट्रेंड कैसा चल रहा है, देखिए जो राइट नाउ चल रहा है जिसमें पेरेंट्स का सुपर डुपर जो है सक्सेस आ रहा है, यंगस्टर का एवरेज वाली सिचुएशन में आ रहा है, ये ऐसे ही चल रहा है. क्योंकि अभी सितंबर एंड आ जाएगा, इसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये साल भी खत्म हो जाएगा, तो इसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगी. अगर आप सोच रहे हैं कि कोई वेरिएशन आएगी तो आप उसकी वेट कर रहे हो, तो मेरी एडवाइस है कि उसकी वेट ना करें. प्रोफाइल को अच्छे से रेडी करके प्रेजेंट करें और बाकी किस्मत का साथ चाहिए. अगर आज की डेट में यंगस्टर ने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना, आप अटैम्प्ट कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, प्रॉपर कहीं से भी अप्लाई करें, अपना कवरिंग लेटर चेक करें. जब आपको लगता है कि हाँ प्रॉपरली आपको प्रेजेंट किया गया है, तो ही अपनी फाइल को लॉन्च करें. क्योंकि ये यंगस्टर के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कवरिंग लेटर. कईयों को तो कवरिंग लेटर दिया भी नहीं जाता कि उसमें क्या लिखा है, कुछ पता नहीं चलता. तो आप थ्रोली उसको जो है स्टडी जरूर करो. सो ट्रेंड ऐसे रहना है. अब एप्लीकेशन क्रिसमस न्यू ईयर को लेके काफ़ी, चलो मार्केट में भी ऐड चलनी स्टार्ट हो गई होगी. जी हाँ, क्रिसमस न्यू ईयर को लेके जो पूछते हैं कि एप्लीकेशन कब तक लगा सकते हैं, देखिए क्रिसमस एंड न्यू ईयर पे चाहे ऑस्ट्रेलिया को अप्लाई कर रहा है चाहे कनाडा को अप्लाई कर रहा है, तो ऑलरेडी इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट जो हो चुकी. हाँ कनाडा में प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि प्रोसेसिंग टाइम आपको पता है कि 30 days के अंडर आपकी एप्लीकेशन आ जाती है, तो मीन टू से कि अप्रूवल आ जाती है, वीज़ा आएगा जहाँ रिफ्यूज़ल आएगी तो रिजल्ट आ जाता है. तो इसका मतलब है कि अगर क्रिसमस एंड न्यू ईयर पे जिसने भी अप्लाई करना है अभी स्टार्ट कर ले, अक्टूबर एंड से पहले सेफ साइड के लिए अक्टूबर एंड से पहले एप्लीकेशन आपकी एम्बेसी में चली जाए तो ज़्यादा बेटर है. क्योंकि अब रश हो जाना है, एप्लीकेशन काफ़ी लगनी है, फिर वही प्रोसेसिंग टाइम मैं अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है आगे चल के प्रोसेसिंग टाइम 30 से 45 दिन के आसपास चला जाए. पता नहीं होता अगर लोड हो जाए एप्लीकेशन का, जैसे कनाडा का रिजल्ट स्लो है तो ऑस्ट्रेलिया का रिजल्ट भी स्लो हो सकते हैं. सो जो टूरिज्म के लिए जाना चाहता है या फैमिली मेम्बर के साथ क्रिसमस न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहता है ऑस्ट्रेलिया में आके, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है अभी से लगाने का प्रेपरेशन शुरू कर दो. क्योंकि यंगस्टर तो स्पेशली, पेरेंट्स के लिए फिर भी ठीक है, यंगस्टर स्पेशली, क्योंकि आपको पता आपका वीज़ा थोड़ा सा रिस्क में रहेगा, वीज़ा आ भी सकता है या रिफ्यूज़ल के भी काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं. तो जल्दी थोड़ा सा लगा लोगे तो उसका एक बेनिफिट तो है एटलीस्ट कि आपके पास आपका सेम ट्रैवल प्लान वैलिड रहेगा रीट्राई करने के लिए भी. क्योंकि क्रिसमस न्यू ईयर है, अगर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा एक बार नहीं आता तो आप सेकेंड अटैम्प्ट, हालांकि मुश्किल बहुत है सेकेंड अटैम्प्ट में वीज़ा लेना, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन काफ़ी एग्जाम्पल मेरे पास है जहाँ 2 रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा आया. तो मतलब किस्मत ट्राई करना, लेकिन मेक श्योर करें कि आपके किस्मत ट्राई करने के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा ना हो. क्योंकि मेरे पास डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम पे कॉल्स या जो मैसेज आते रहते हैं, कोई कहता जी हमने विजिटर वीज़ा अप्लाई किया था, 1 लाख एडवांस दे दिया एजेंट को, अब वो कह रहा है जी 50,000 वापस ले लो, नहीं तो एक बार और ट्राई कर लो. भाई इतना एक्सपेंसिव नहीं होते, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि एक्सपेंसिस की भी बात करेंगे, एक्सपेंसिस इतने ज़्यादा नहीं है. एक्सपेंसिस कितना होना चाहिए जो जेन्युइनली, अगर आपकी फाइल कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो तो एक्सपेंसिस नोट कर लो. डिपेंड करता है किसका कितना एक्सपीरियंस है, लेकिन स्टिल एम्बेसी फी सेम रहनी है 12,000 के आसपास पर एप्लीकेंट की. और जो फाइलिंग चार्जेस होते हैं वो मार्केट में स्टार्ट हो जाते हैं 10-15 वाले भी होते हैं, 20 तक भी जाते हैं, 25 तक भी जाते हैं. लेकिन ओवरऑल जो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है तो आपका टोटल इंक्लूडिंग एम्बेसी फीस 30,000 से ऊपर एक्सपेंसेस नहीं जाना चाहिए. हाँ 2-3 एप्लीकेंट हैं तो कई बार थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, एम्बेसी फीस का तो आएगा आएगा, सीधी डबल ही हो जाएगी. बाकी नॉर्मल जो फाइलिंग चार्ज होते हैं उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लेकिन वो डबल नहीं होता कभी भी, जो जेन्युइन रेट होता है. तो मीन टू से सिंगल एप्लीकेंट का जितनी एम्बेसी फीस है उससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही वेरी ओबेसा फीस होती है, जितना भी मार्केटिंग मैंने भी स्टडी की है. तो 30,000 के अंदर अंदर आपका ऑलमोस्ट इंक्लूडिंग वैसे भी सिंगल एप्लीकेंट का ट्राई हो जाना चाहिए. इससे ज़्यादा मैं नहीं कहता कि आपको जो है एक्सपेंसिव लगाने भी चाहिए अगर आप सिंगल एप्लीकेंट है, क्योंकि वीज़ा चांसेस हैं वो सेम ही रहने हैं. चाहे कोई 1 लाख लेके अपनी फाइल लगा रहे हैं, उसकी मैं गारंटी देता हूँ कि वीज़ा चांसेस सेम क्यों रहने हैं. आप अगर पूरी अपना लॉगिन देखोगे ना, उसमें सेम चीज़ें ही होती है जो कोई 15-20 वाला लगाएगा या कोई लाख वाला लगा, उसने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाया हो. अगर कुछ लगा भी एक्स्ट्रा, जैसे कि कहते हैं ना कि कॉलेज से इन्विटेशन मंगा लेंगे, स्पॉन्सरशिप पेड मंगवा ली, कोई दोस्तों डिफरेंस नहीं है वीज़ा के ऊपर. सक्सेस रेट वही रहना है जो नॉर्मल पे रहना था, चाहे
किसी मंत्री का भी लेटर बीच में लगवा लो, यही होता है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ऐसे फजूल में पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई कहता है तो उसको बोलो कि जब वीजा आ जाएगा पैसे ले लेना, अगर किसको इतना ही कॉन्फिडेंस है। सो ट्रेंड नॉर्मल वे में ही चल रहा है, ठीक है। यंगस्टर ने ट्राई करना है क्रिसमस न्यू ईयर का बना के, सिंगल ना ट्राई करे, पेरेंट्स के साथ ट्राई कर ले, ज़्यादा बेटर है। उसके बाद जो एक्सपेंसिज रहते हैं वो आपके सिंगल एप्लीकेंट के, इंक्लूडिंग वैसी फीस, जो मेरी एडवाइस है कि 30,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, कहीं से पेड स्पॉन्सरशिप, मुझे भी पूछते हैं कहीं पेड स्पॉन्सरशिप दिला दो जी, मैं सीधा कहता हूँ कि पेड स्पॉन्सरशिप से वीज़ा आता होता तो जो स्पॉन्सरशिप पे लगाते हैं किसी का रिफ्यूज ही ना होता। कई इवन पेरेंट्स भी अप्लाई करते तो उनका भी कई बार डिक्लाइन हो जाता है। तो इन चीज़ का ध्यान रखें, आप कभी भी फालतू पैसे वेस्ट ना करें। रिस्क लेना है, चांसेस लेने हैं, लक ट्राई करना है, सबको हक है ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल कॉस्ट के ऊपर ही ट्राई करें। बाकी और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।